रिपोर्ट नेमतला जेट ब्यूरो चीफ लाहौर डिवीजन रायवंड से अलमहराब फाउंडेशन रायवंड की तरफ से सिटी मैरिज हॉल में एक सेमिनार का इनका किया गया, जिसका बाकायदा आगाज कुरान पाक की तलावत से हो। कुरान पाक की तलावत की सआदत कारी अब्दुलरहमान हजाजी ने हासिल की। इसके बाद अलमहराब फाउंडेशन के नायब अमीर डॉक्टर मोहम्मद इरफान ने अलमहराब की सालाना कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की। उन्होंने बताया कि हम सालाना 164 खानदानों को 5 लाख से ज्यादा का राशन फराहम करते हैं। अलमहराब वेलफेयर क्लिनिक के नाम से एक डिस्पेंसरी भी चल रही है, जिसमें 2023 में 14,000 से ज्यादा मरीजों ने इस्तफादा हासिल किया, जिसका सालाना खर्चा 22 लाख से ज्यादा है। प्रोग्राम में मशहूर यूट्यूबर डॉक्टर शराफत अली, डायरेक्टर इस्लामिक रिसर्च सेंटर ने हम बीमार क्यों होते हैं के मौजू पर मुफसिल गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे तमाम किस्म की बीमारियों का हल हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में मौजूद है। हमें अगर बीमारियों से बचना है तो हमें अपनी मॉडर्न लाइफस्टाइल को तर्क करके सादा तरीके अपनाने होंगे। मजीद उनका कहना था कि हमारी तबीयत के अंदर बेचैनी असल में हमारे गुनाहों की वजह से आती है, क्योंकि जब हम गुनाह करते तो हमारी रूह तड़पती है, और जब इंसान गुनाह करते तो रूह दोजख को देखकर बेचैन हो जाती है, और वो बेचैनी हमारे जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के अमराज का बायस बनती है। इसलिए हमें जिंदगी में अफू दरगुजर माफी और अच्छे अखलाक को तरवीज देनी होगी।